गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह विवेकानंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट को लेकर के आए हैं और इसमें भी अच्छे अच्छे टाइप का सिंप्लीफिकेशंस को सिखाएंगे, है ना। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके सिंप्लीफिकेशन के आपके असाइनमेंट का बताए थे, लेकिन बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 178। क्वेश्चन नंबर क्या बताने जा रहे हैं जी, 178। 178 में क्या है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 178 में जैसे कि दिया हुआ है 1/√3 और प्लस √2, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपका है जो माइनस, और उसके बाद 2/√5 माइनस √3 और उसके बाद फिर आपका है माइनस और 3/√2 और माइनस √5 और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो भाई यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं कि किसी में a प्लस बी है तो a माइनस बी के फॉर्म में, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3 √2 है तो यहाँ पर √5 √3 है, यहाँ पर √2 √5 है, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए इस टर्म को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, इस टर्म को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और इस टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये तीनों ही टर्म को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं अब तीनों टर्म का। तो यहाँ पर 1/ क्या है जी, √3 + √2 हमें रेशनलाइज करना है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - √2 से, और जितना से नीचे मल्टीप्लाई किया उतना से ही ऊपर करेंगे न्यूमरेटर को, यानी डिनोमिनेटर को जितना से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को उतने ही से मल्टीप्लाई करोगे तब ना वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 से, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद क्या है 2/√5 - √3 है, तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो अगर √5 - √3 है तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √5 + √3 और उसके बाद न्यूमरेटर को भी √5 + √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 3/ क्या है, √2 - √5 है, तो इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, √2 + √5 से, और √2 + √5 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए मल्टीप्लाई का नियम तो जानते हैं ना कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होने वाला है भाई, अब उसका ध्यान से देखें। तो अब ये देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से नीचे में क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी बोले तो √3 का स्क्वायर - b स्क्वायर, तो b के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया, तो ऊपर 1 × something वही रह जाएगा तो √3 - √2 रह गया, फिर माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × क्या हो गया, √5 + √3 हो गया, और नीचे क्या होगा तो √5 - √3 √5 + √3, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a का काम कौन कर रहा है, √5, तो √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस उसके बाद 3 × क्या है जी, तो 3 × √2 + √5 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 - 5 √2 + 5, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या है कि ऊपर क्या हो गया इसका जी, तो ऊपर हो गया √3 - √2 हो गया, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2, नीचे क्या बच गया जी, 1 बच गया, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या होगा 2 × √5 + √3 हो गया, और इधर क्या हो गया √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर -3 × √2 + √5 और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5 और 2 में से 5 घटेगा बचेगा -3 बचेगा। ये माइनस जस्ट आगे वाला सिंबल में जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है तो कभी 1 लिखाएगा नहीं, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा √3 - √2 बचेगा, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री बचेगा और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया प्लस रूट टू और उसके बाद प्लस रूट फाइव बच गया। यहाँ पर देखिए रूट फाइव प्लस में, रूट फाइव क्या चीज़ में, माइनस में, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के समाप्त हो जाएगा। रूट थ्री माइनस में, रूट थ्री प्लस में समाप्त हो जाएगा, रूट टू प्लस में, रूट टू माइनस में समाप्त हो गया, तो टोटल सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बच गया, जीरो बच गया। क्या बच गया जी, जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो बहुत ही सिंपल सा वैल्यू आया, क्या आया, जीरो आया, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर ये डन है तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ जी, 178 हो गया, तो उसके बाद 179 क्या इसी प्रकार से कुछ है, ऐसे तो 179 आपको बताए थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 180 क्या है जी, तो क्वेश्चन नंबर 180 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो 180 क्या है, तो 180 यहाँ पर है टू रूट सिक्स अपोन क्या है, तो टू रूट सिक्स अपोन रूट टू प्लस रूट थ्री है और उसके बाद फिर प्लस सिक्स रूट टू अपोन क्या है भाई, तो रूट सिक्स प्लस रूट थ्री है, रूट सिक्स प्लस रूट थ्री है, उसके बाद फिर माइनस एट रूट थ्री, एट रूट थ्री अपोन क्या है, तो एट रूट थ्री अपोन रूट सिक्स प्लस रूट टू है। और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करके इसका क्या निकालना है, सिंपल सा वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान होने वाला ये भी है। आप इसमें भी प्रत्येक को क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, प्रत्येक को क्या कर दो जी, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करोगे तो खुद ब खुद ये बन जाएगा, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसे रेशनलाइज करते हैं जी, तो रेशनलाइज करने के बाद ये क्या हो गया, टू रूट सिक्स और नीचे क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए, रूट टू माइनस रूट थ्री और रूट टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस उसके बाद ऊपर क्या है, सिक्स रूट टू है और नीचे क्या है जी, रूट सिक्स प्लस रूट थ्री है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री हो गया, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एट रूट थ्री, तो एट रूट थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट टू हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सिक्स माइनस रूट टू से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट सिक्स माइनस रूट टू। सेम मेथड जैसे रेशनलाइज करते हैं सब में, उसी तरह से इसमें भी। अब उसके बाद क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर किससे होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो डिनोमिनेटर में तो जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो अब देखिए क्या होने वाला है भाई, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पर रूट टू है, उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो गया, और ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर रूट टू रूट सिक्स इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री हो गया, उसके बाद प्लस ऊपर सिक्स रूट टू इंटू क्या हो गया, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री अपोन क्या होगा, नीचे, तो नीचे वही फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एट रूट थ्री, एट रूट थ्री इंटू क्या हो गया, रूट सिक्स माइनस रूट टू हो गया, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या आता है जी, तो आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा टू रूट सिक्स इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री अपोन रूट टू का स्क्वायर दो और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा तीन, तो टू में से थ्री घटेगा, क्या बचेगा माइनस वन बचेगा, प्लस ऊपर बच गया सिक्स रूट टू इंटू रूट सिक्स और माइनस रूट थ्री हो गया, लेकिन नीचे क्या हो गया, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस एट रूट थ्री इंटू क्या बच गया, रूट सिक्स माइनस रूट टू और नीचे क्या होगा, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और रूट टू का स्क्वायर टू, तो सिक्स में से थ्री घटेगा, ये क्या बचेगा थ्री, सिक्स में से टू घटेगा तो क्या बचेगा फोर, थ्री से ये कट गया थ्री टू आ गया, इससे ये कट गया तो कितना आ गया टू आ गया। तो अब कैलकुलेट करते थे, ये नीचे में माइनस है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर जा करके यहाँ पर माइनस ये आ जाएगा, यहाँ से हट करके यहाँ माइनस आ जाएगा, और नीचे में वन बच गया, तो अब नीचे वाला लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका भी नीचे वाला कट गया, इसका भी नीचे वाला कट गया, तो अब डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं। अब सोल्व करेंगे, टू रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू से, तो पहला नंबर तो माइनस आएगा, और उसके बाद देखिए रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व का वैल्यू होता है
जैसे यहाँ पर क्या हो गया 2 और रूट 2 इंटू रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 2, रूट 12 होगा, और रूट 12 का मतलब क्या हो गया, रूट 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दो बार 2 है तो एक बार 2 बाहर निकलेगा तो 2 रूट 3 आएगा, तो रूट 6 इंटू रूट 2, 2 रूट 3 और एक 2, तो 2 2 जब 4 रूट 3 आ गया, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, तो अब 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे, रूट 3 से, किससे मल्टीप्लाई करिएगा रूट 3 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रूट और 6 3 जाए 18, और 18 का वैल्यू होता है 3 रूट 2, यानी 6 रूट 3 हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 रूट 2, आप कैलकुलेट करिएगा, और ये 2 कट गया तो 2 रूट 2 बच रहा है, 2 रूट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा कितना 4 प्लस 4 रूट 3 आएगा, और इसको जब इसे करिएगा तो उसके बाद आएगा आपको क्या चीज़ माइनस, और उसके बाद 2 रूट 6 आएगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस, और उसके बाद 2 रूट 3 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 रूट 2, यानी 6 रूट 2 आएगा, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 2 रूट 6 आएगा। अब 2 रूट 6 प्लस में और 2 रूट 6 माइनस में समाप्त हो गया जी, 6 रूट 2 माइनस में और 6 रूट 2 प्लस में ये भी समाप्त हो गया जी। उसके बाद आपको देखिए 4 रूट 3 प्लस में और यहाँ पर 4 रूट 3 माइनस में ये समाप्त हो गया, तो पूरा कट गया, तो क्या बचा जी 0 बच गया। ये बहुत देखिए बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया और बहुत ही सिंपल है, तो आपको कुछ करना नहीं है, जो कैलकुलेशन का मैथड है, कैलकुलेशन का जो नियम है उसको अप्लाई करना है, रूट वाला मल्टीप्लाई पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस पे ध्यान रखना है, अगर इन बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो इस टाइप का लंबे से लंबे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, बना सकते हो, या आपसे इतना मतलब भरोसा कर ही सकते हैं हम आपसे, है ना। तो अब देखते हैं आगे का और भी क्वेश्चन है, तो आगे का और भी क्वेश्चन है, उसी तरह से प्रत्येक टर्म को रेशनलाइज करने वाला है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक के 183 तक, इसी तरह से 3 टर्म 4 टर्म किसी में है, किसी में 5 टर्म्स भी हैं, किसी में 6 टर्म्स भी है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रत्येक टर्म को आप रेशनलाइज करोगे और उसके बाद कैलकुलेशन के नियम को फॉलो करके